seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your life, I'll do what I नमस्ते. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. ठंड के मौसम में सुबह सुबह गर्म चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, और स्पेशली मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है. लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं शुगर कम से कम यूज़ करूँ. शुगर के रिप्लेसमेंट में मैंने अभी जैगरी पाउडर यूज़ करना शुरू किया है. चाय को अच्छे से उबालने के बाद जब ये पूरी तरीके से चाय पक जाती है, उसके बाद स्विच ऑफ करने के बाद फ्लेम यहाँ पर मैंने जैगरी पाउडर यूज़ किया है ताकि दूध ना फट जाए, क्योंकि जैगरी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है तो चांसेस होते हैं कि दूध फट सकता है, इसलिए मैं इसे एंडिंग में ही यूज़ करती हूँ. आज वीकेंड है और बाथरूम की मोस्टली क्लीनिंग मैं वीकेंड में ही करती हूँ, तो यहाँ सबसे पहले बाथरूम क्लीन करने के लिए मैंने बाथरूम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे बाहर निकाल के रख दिए ताकि बाथरूम की क्लीनिंग अच्छे से हो पाए. यहाँ बाथरूम सीट में मैंने हार्पिक डाल के इसे छोड़ दिया है, इसे बाद में क्लीन करूंगी मैं. यहाँ मैं क्लीनिंग के लिए ओल्ड लोफा यूज़ कर रही हूँ, इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है टैप्स और वॉल्स की. हर वीकेंड से ये टैप्स और वॉल क्लीन होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन नहीं है, ये इजीली माइल्ड रब करने से भी बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है. और यहाँ पर मैंने शावर जेल ही यूज़ किया है क्लीनिंग के लिए, इससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाता है, क्योंकि वॉशरूम हमेशा फ्रिक्वेंटली क्लीन होते रहता है एवरी वीकेंड, तो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लीनिंग के लिए. माइल्ड किसी भी चीज़ से ये क्लीन हो जाता है. इसके वॉल्स को भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर लूँगी, रब कर लूँगी पूरे वॉल्स को, तो इसमें भी वाटर के स्टेन्स रहते हैं वॉल्स पर. अगर हम इसे वीकली एक बार रब करते हुए क्लीन कर दें, या फिर आप वाइपर से कर सकते हैं, या फिर आप सेम मैंने ये जो लोफा यूज़ किया आप उसके मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका वॉशरूम हमेशा क्लीन रहेगा. इसमें वाटर मार्क्स कोई भी स्टेन्स नहीं दिखेंगे, और आप जब क्लीनिंग करेंगे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगेगा. यहाँ मैंने मिरर और शावर हेड को भी कवर किया है.
और बाथरूम के चारों कोनों को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, चारों वॉल्स जो भी है। देन पानी स्प्रे करके मैं इसे अच्छे तरीके से अभी क्लीन कर दूंगी। फ्लोर क्लीन करने से पहले मैं यहाँ टॉयलेट सीट क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, तो हार्पिक जो मैंने लगा के लीव कर दिया था मैंने इसे ब्रश से क्लीन कर लिया अच्छे तरीके से। देन इसके ऊपर की जो सीट होती है उसे मैं दूसरे ब्रश से क्लीन कर रही हूँ। और ये भी मैंने नॉर्मल शावर जेल से क्लीन किया है, इसमें भी मैंने ऊपर के लिए कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं किए। जो हार्पिक था वो बस मैंने अंदर ही यूज़ किया था, एंड फ्लोर के लिए भी मैंने कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया। नॉर्मली मैंने जो डिटर्जेंट होता है वो मैंने फ्लोर पे स्प्रेड कर दिया है एंड मैं क्लीन कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से पूरा फ्लोर को मैं यहाँ पे रब करते हुए क्लीन कर रही हूँ। इससे भी काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन है नहीं, इसकी वजह से मुझे कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से भी बहुत इजीली क्लीनिंग हो जाती है। एंड ये जो जेट स्प्रे है जिससे मैंने पूरी क्लीनिंग की है वॉशरूम की, उसे भी मैं क्लीन करके वॉश करके मैंने रख दिया है, और जो भी प्रोडक्ट्स जहाँ पे थे उसे मैंने वापस वहीं पर लगा दिया है। ये है मेरा क्लीन फ्रेश बाथरूम जो कि बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक क्लीन वॉशरूम देखना किसको नहीं अच्छा लगता, कोई भी चीज़ें क्लीन हो वो आंखों को अच्छी लगती ही है हमें हमेशा। देखते देखते नया साल आ चुका है और जनवरी का भी आधा मैंने यूं ही बीत चुका है, तो मैंने सोचा नया साल आ चुका है तो क्यों ना कुछ नई रेसिपी ट्राई की जाए। तो आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं ट्राई की है। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेगेटी को बॉयल कर लिया है। आप जो भी स्पेगेटी यूज़ करेंगे उसके पैकेट के इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए कि कितने देर बॉयल करना है। यहाँ पर जो भी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं उसे मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैं मशरूम स्पेगेटी बना रही हूँ तो मशरूम एक मेन इंग्रेडिएंट है, और मैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने बेल पेपर्स एंड ब्रोकली एंड ऑनियन और गार्लिक चॉप कर लिया है। यहाँ पर आप कोई भी अपने चॉइसेस के वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी प्रेफर करते हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने वो सब यूज़ किया है, और स्पेगेटी का जो बॉइल किया हुआ वाटर है उसे मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया है और बाकी मैंने यहाँ पर ड्रेन कर लिया है। मशरूम स्पेगेटी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पैन में मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, उसमें बटर डाल दिया है। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑलिव ऑयल में इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप ट्राई करिएगा कि इस रेसिपी के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सके, नहीं भी है तो चलेगा। देन यहाँ पर मैंने मशरूम को अच्छे से सौते कर लिया है, मीन्स अच्छे तरीके से इसे मैंने फ्राई टाइप का कर लिया है। इसका जो वाटर कंटेंट है काफ़ी रिड्यूस हो गया है। मशरूम को मैंने यहाँ पर साइड में कर दिया और सेम पैन पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और बटर ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं मशरूम स्पेगेटी आग्लियो ओलियो ये रेसिपी का नाम है वो
बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर जो गार्लिक का फ्लेवर है वो डोमिनेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने अच्छे खासे क्वांटिटी में गार्लिक यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने 15-20 कलियाँ जो होती है गार्लिक की वो मैंने क्रश करके यहाँ पर ऐड की है। उसे हल्का सा सोते होने के बाद मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो पाउडर यूज़ किया, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो मैंने यहाँ पर ऐड की है। फिर इसे हल्का सा सौते करने के बाद मैंने यहाँ पर जो बॉईल किए हुए स्पैगेटी रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो पानी मैंने सेव करके रखा था वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे तरीके से फिर मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। और ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है, बस यही इंग्रेडिएंट इसमें जाते हैं और हल्का सा आपको सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के अनुसार। यहाँ पर मैं पार्मेसन चीज़ ऐड करने वाली हूँ, उसमें भी सॉल्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि कितना सॉल्ट ऐड करना है। और ये चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी और ये काफ़ी कॉस्टली आता है, तो मुझे ट्राई करना था कि ये चीज़ में ऐसा क्या है। इन द एंड जो मैंने मशरूम सौते करके रखा था उसे भी मैंने ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। ये इतनी सिंपल रेसिपी है। देन साइड बाय साइड मैं और एक रेसिपी बना रही हूँ, सेम यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल बटर यूज़ किया है और जो भी मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स चॉप करके रखे थे वो इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसमें भी मुझे डोमिनेंट फ्लेवर चाहिए गार्लिक का, मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद, तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा गार्लिक यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पसंद या फिर आप कम कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। और यहाँ पर बारीक कटे हुए मैंने प्याज डाल दिए है, ये ऑप्शनल है, आप ऑनियन को अवॉइड कर सकते हैं। देन जो भी वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए है, बेल पेपर्स एंड ब्रोकली एंड ऑनियन के स्लाइसेस जो डाइसेस है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। और इसे मैं थोड़े देर हाई फ्लेम पे से सौते कर लूँगी, तो ये जो स्टर फ्राइज है चाइनीज़ प्रिपरेशन के इस पर मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स, यहाँ पर भी मैंने ऑरिगेनो यूज़ किया है। देन यहाँ पर अगर आपके पास एक मैजिक क्यूब मसाला आता है वो आप ऐड करेंगे तो इससे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जले ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। और यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, 1-2 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ये थिकनिंग एजेंट होता है, इससे सारी चीज़ें थिक हो जाएगी जो भी हम सॉस इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर ऐड किया है जो भी चाइनीज़ प्रिपरेशंस में जाते हैं। और इन दी एंड थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप भी यूज़ किया है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने मैजिक क्यूब मसाला आता है वो थोड़ा सा हल्का सा यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, या फिर फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आप MSG भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है, कंपल्सरी नहीं है। और इसे अच्छे से तरीके से मैंने सौते कर लिया है और ये दोनों रेसिपी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। और ये काफ़ी इजी है और ये आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला फील देगी। और ये इतनी यम्मी बनी थी, टेस्टी बनी थी, मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई, लिटरली मैंने इसे पूरा ख़त्म किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है मेरे तरफ से। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड अनूप हम दोनों इंजॉय कर रहे हैं ये मील। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ऐसे नए वीडियो के साथ मिलते हैं हम फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।